चलो बालक, आपके सामने नया क्वेश्चन है। आरएस अग्रवाल, क्लास 9, एक्सरसाइज 1E। क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट रूट 10.5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रूट 10.5 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6 है आरएस अग्रवाल से। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वही इक्विपमेंट सुन लीजिए। पेन चाहिए आपको, आपको कंपास की यूज कर सकती है, कंपास के साथ साथ आपको पेंसिल भी चाहिए। ठीक है, स्केल तो चाहिए ही चाहिए, और आपको पेंसिल भी चाहिए और इरेजर भी चाहिए। बाय द वे, अगर कहीं गलत हो गया तो आपको इसको इरेज कर सकें। तो पहले पेंसिल को आप क्या कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, पेंसिल आपका रेडी है। ओके, तो करेंगे क्या बाम ब्रदर, 10.5 रूट 10.5 है, तो आप क्या कीजिए, स्केल की हेल्प से आप 10.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, कॉपी को थोड़ा सा मन करे तो थोड़ा सा आप घुमा लीजिए, क्योंकि मैं अपनी तरह से सबसे टफ क्वेश्चन लेके चला हूँ। ठीक है, तो 10.5 सेंटीमीटर का एक आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है आपका 10.5, ये वाला पॉइंट। ओके, तो एक काम कीजिए आप, 0 से 10.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है? ओके, इसको नेमिंग कीजिए, क्या बोलिएगा, इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए। कितना है इसका यूनिट, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या कीजिए आप, बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कीजिए, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये है 1 सेंटीमीटर। ओके, इसको क्या कीजिए, इसको सी मेजरमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, इस एसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट करना बहुत आसान है, बचपन में पढ़े हुए हैं। कैसे बाइसेक्ट करेंगे इसको, ए से आप ज़्यादा लो, ये ए पॉइंट है, ए से हाफ से मोर देन हाफ एंड कट हियर एंड वन कट डाउन। अगेन फ्रॉम पॉइंट सी, ए से मैं क्या लिया हूँ, बी लिया हूँ क्या, नहीं कुछ भी लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है आपका। ए से मोर देन हाफ होना चाहिए, तो वन कट यहाँ पे और वन कट यहाँ पे। अगेन फ्रॉम सी, वन कट हियर एंड वन कट डाउन। नाउ बाय यूजिंग रूलर, यू ड्रॉ अ ब्रोकन लाइन। ओके, यू ड्रॉ अ ब्रोकन लाइन, दिस इज द पॉइंट ओ, इट क्लियर, दिस इज द पॉइंट ओ। फ्रॉम पॉइंट ओ विद द यूज ऑफ कंपास यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ रेडियस ओ ए। ओके, यस और नो, यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम ए टू सी, वेयर ओ इज द रेडियस एंड ए सी इज ऑब्वियसली डायमीटर। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, एट पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी यू हैव टू मेक अ 90 degree angle। इफ़ यू हैव अ प्रोटेक्टर यू कैन यूज, इफ़ यू आर नॉट
यू कैन ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल है प्रोटेक्टर। चलो कोई बात नहीं है, अगर प्रोटेक्टर नहीं है तो आप 90 डिग्री अब बना लो डायरेक्ट, बन तो जाएगा लेकिन डिस्टेंस कम है ना बाबू। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंपास से बनाने के लिए। बाय द वे, नहीं बनेगा आपसे तो आप इस क्या करोगे कि आप वो यूज कर सकते हो प्रोटेक्टर। ओके चलो ठीक है। नाउ यू नो डैट यू हैव टू बाइसेक्ट ऑफ पीसी मोर देन हाफ, कट वन राउंड हियर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट कट हियर। नाउ फ्रॉम द सेंटर एंड द मार्क लाइन मार्क पॉइंट बाई यूजिंग द रूलर यू कैन ड्रॉ अ सिंगल लाइन हियर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। अब तुम जो जो वर्क किए हो तुम एक साइड पेपर में इसको नोट डाउन करते चले जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी तक मैंने क्या किया, मैं एक एसी डायमीटर ड्रॉ किया था। ठीक है, ए बी 10.5 सेंटीमीटर और बी सी 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 1 सेंटीमीटर। देयर फोर ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 10.5 प्लस 1 सेंटीमीटर। क्लियर मीन्स 11.5 सेंटीमीटर। देखो हो गया। अब तुम क्या किए थे, तुमने ए बी को बाइसेक्ट किया था। देखो यहाँ आपने ए बी को बाइसेक्ट किया था और आपने ओ सेंटर ढूंढा था, तो मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ए सी को बाइसेक्ट किया था आपने और ओ सेंटर ढूंढा था, मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। चलो देयर फोर यहाँ देखो, देयर फोर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ सी इज इक्वल्स टू 11.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर दो, 5 2 10 क्लियर है, तो 1 और 5 15, तो 5 7 14 1 कैरी, तो 5 2 5 10, तो 5.75 सेंटीमीटर ये आपको ओ इज इक्वल टू ओ सी मिल गया। क्लियर तक? अब तुम क्या करोगे बाबू, अब तुम मैक्सिमम काम कर चुके हो, अब कुछ नहीं करना है। एक बात बताओ, ओए इज इक्वल्स टू ओ सी है ना, और ये जो तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो इस सेमी सर्कल के आर्क पे, तो इसको नाम दे दो डी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब तुम क्या करोगे, पॉइंट ओ से पॉइंट डी को मिला दो अच्छे से। क्लियर है, पॉइंट ओ को पॉइंट डी से मिला दो। क्लियर है, अब तुम क्या करोगे, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी होगा, सोचो अब बताओ क्यों होगा। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, क्योंकि ए सी जो है एक आर्क है जो ए बी ए सी डायमीटर है। ओके, जब ए सी डायमीटर है तो एक बात बताओ मेरे को, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी होगा कि नहीं होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ तुम नोट डाउन कर लो, देयर फोर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू 3.75 सेंटीमीटर। या सुनो, हैं 5.75 सेंटीमीटर। अच्छा चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तुम क्या करोगे, इधर आओ, फिर से फिगर पे आओ। तुम्हारा ओ सी इज 5.75 सेंटीमीटर और बी सी इज 1 सेंटीमीटर, देयर फोर ओ बी क्या होगा, 5.75 माइनस 1 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि बी सी 1 सेंटीमीटर है। आओ देयर नाउ ओ सी ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस बी सी, मीन्स 5.75 माइनस
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4.75 सेंटीमीटर। क्लियर है, 4.75 सेंटीमीटर क्लियर है। और ओडी इज इक्वल्स टू 5.75 सेंटीमीटर, ये भी क्लियर है। यस और नो बोलो, क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बताओ जरा सा मेरे को, ये तुम्हें ट्रायंगल कैसा नज़र आ रहा है? ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम तुम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो इसको, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अब तो बना लोगे तुम इसे। आओ नाउ इन ट्रायंगल, किस कौन से ट्रायंगल? ओ बी डी वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर फोर बाई पी टी थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यस और नो? आओ देख लो फिर से एक बार। ओ डी इज इक्वल्स टू 5.75 सेंटीमीटर और ओ बी इज इक्वल्स टू 4.75 सेंटीमीटर, इसके थ्रू तुम बी डी निकाल लोगे, आ जाएगा ना। ओ डी इज इक्वल्स टू 5.75 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और ओ बी इज इक्वल्स टू 4.75 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर और नॉट? अब तुम क्या करो, तुम सब कुछ पढ़े हुए हो प्रीवियस क्लास में, तो ये माइनस 4 माइनस 4.75 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। यस और नो? हैं, ये देखो तुम ये फॉर्मूला पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज कर लो यहाँ पे। 5.75 प्लस 4.75 इंटू 5.75 माइनस 4.75 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अब जिसको फार्मूला नहीं याद है वो बैठ के मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके बना लेगा। जब तुम 4.75 में 5.75 को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा मालूम है? 10.5 इंटू 5.75